राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, जल जाएगी। दिल जले, दिल जले। अरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही आगे वाले घंटे को भी दबा दें, ताकि हमारे सभी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब भी हम बॉलीवुड स्टार्स को देखते हैं तो एक बात हमारे जहन में जरूर उठती है कि बॉलीवुड हीरोज फिल्मों में हीरो किस वजह से बनते हैं, ये तो सब जानते ही हैं। दोस्तों, अब जहाँ विलन है वही तो हीरो आएगा ना। और आपको बता दें, हमारे बॉलीवुड विलन के रोल इतने स्ट्रोंग रह चुके हैं कि अब तो बॉलीवुड के हीरोज भी विलन के रोल करना चाहते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे खलनायक के बारे में बताएंगे जिनका जलवा पूरे हिंदुस्तान में रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनके बारे में। अमरीश पुरी। जी हाँ दोस्तों, अमरीश पुरी, जब भी इनका जिक्र होता है तो एक ही चेहरा सामने आ जाता है जो कभी खलनायक बनकर हीरो के पसीने छुड़ा देते थे। और ऐसे ही अमरीश पुरी ने कभी नहीं सोचा था कि वे खलनायक बनेंगे। जब वो बॉलीवुड में आए थे तो उनका सपना था कि वे हीरो के रोल में बड़े पर्दे पर नजर आए। लेकिन आपको बता दें, आज अमरीश पुरी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेहद ही खूबसूरत बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी है। अमरीश पुरी तो इस दुनिया से चल बसे, लेकिन आपको बता दें, उनकी एक बेहद ही खूबसूरत और हॉट बेटी भी है, जिसका नाम नम्रता है। नम्रता सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं और समय समय पर अपनी पिक्चर्स भी शेयर करती हैं, जो कि उनके चाहने वालों को बेहद ही पसंद भी आती है। नम्रता ने अपनी पढ़ाई मुंबई में ही की है और वह लाइमलाइट से काफ़ी दूर रहती हैं, और फिल्मों में उन्होंने करियर बनाने की कभी नहीं सोची। शुरू से ही नम्रता पढ़ने में बेहद ही तेज थी, जिस वजह से उन्होंने बॉलीवुड में करियर ना बनाकर इंजीनियर में अपना करियर बनाया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको अमरीश पुरी की बेटी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में नम्रता लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अब मैं आपको उन लोगों के नाम बताने जा रही हूँ जो हमारे वीडियोस को रोजाना देखते हैं, लगातार कमेंट भी करते हैं। सबसे पहले हैं संजय शाख्या और दूसरे संजय खान। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आने वाली अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बताइए अब बब्बो यदा तब भी बैंक।